अगर आप सही तरीके से आरसीएम करते हैं जो सिस्टम कहता है, तो यकीन मानिए थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन भारत के कोने कोने में आपका बिजनेस जाएगा। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था सन 2016 में जून में, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, फ्यूचर में बिजनेस होगा या नहीं होगा। लेकिन मेरी अप्लाइड मिस्टरियस मार्केटिंग ने कहा कि अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं, बिजनेस तरीके से करते हैं, तो निश्चित तौर पर पूरे भारत में आपका बिजनेस होगा। आज 7 स्टेट में हमारा बिजनेस है, और आज मैं उत्तराखंड के एकदम शुद्ध गांव में हूँ, उत्तराखंड के, जहाँ पे शुद्ध वातावरण है, पानी है, हवा है, और एकदम गांव है। मतलब जो मैं कभी सोचता था कि पहाड़ के लोग कैसे जीते हैं, वो आज मैं देख रहा हूँ। सबसे मजे की बात ये है कि इसलिए मैं देख पा रहा हूँ या कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सिस्टम को फॉलो किया है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखता हूँ या जानता हूँ जो रॉयल्टी हैं, टेक्निकल भी हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि वो अपने जीवन को कैसे और बेहतर बनाएं, किस तरीके से उनका बिजनेस स्टेबल हो और किस तरीके से वो ग्रोथ करें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर पाते, और वही लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं जो लोग 30,000 के बिजनेस को टारगेट मंथ में 3,00,000 लेके जाते हैं, जो लोग 1,00,000 के बिजनेस को टारगेट मंथ में 10,00,000 लेके जाते हैं। ऐसा करने वाले लोग कभी भी इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे। आप भी अपने आसपास उठा के देखिए, बहुत सारे आरसीएम करने वाले लोग गायब हो गए। मैं तो ऐसे ऐसे एमराल्ड को जानता हूँ जिन्होंने इस तरीके से बिजनेस को किया, और आज वो मोबाइल बंद करके गायब है। आज मार्केट में इतनी उधारी उनके ऊपर हो गई है कि वो गायब है। हाँ, ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ जिन्होंने बिजनेस की शुरुआत बहुत धीरे की थी, बहुत स्लो की थी, लेकिन आज वो धीरे 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 करते करते पूरा भारत उनको जान गया है। एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत बड़ा बंगलो है उनके पास। मैं दोनों लोगों को जानता हूँ। अब आपको ये तय करना है कि आपको किस तरीके से बिजनेस करना है। 30,000 वाले बिजनेस को टारगेट मंथ में 3,00,000 या 5,00,000 ले जाना है, या 30,000 वाले बिजनेस को 60,000, 90,000, 1,50,000, 2,00,000, 5,00,000 करके 10,00,000 तक लेके जाना है। क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा मेहनत लगता है, कभी कभी लगता है कि यार चीज़ें बेहतर नहीं हो रही हैं, पता नहीं हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। लेकिन विश्वास करिए कि अगर इस तरीके से आप बिजनेस करते हैं, तो आने वाले समय में जब आज जो 50,000 कमा रहा है गलत तरीके से बिजनेस करके, आने वाले 2 से 3 सालों में 5,000 पे आएगा, और आज अगर आप 5,000 कमा रहे हैं, तो आने वाले 3 से 4 सालों में आप 1,00,000-2,00,000 रुपए तक भी जा सकते हैं। इसलिए किसी दूसरे की स्पीड देख के मत भागिए। पेट आपका पिन से नहीं भरेगा, रुपया से भरेगा। यहाँ पे अगर आप स्टार एमराल्ड की पिन लगा लिए और उसकी इनकम नहीं आ रही है, तो क्या आप जीवन में संतुष्ट होंगे? नहीं होंगे। वो सेटिस्फेक्शन आपके अंदर से आएगी ही नहीं, क्योंकि रुतबा तो स्टार एमराल्ड का है और रुपया रॉयल्टी का आ रहा है, तो वो लाइफ स्टाइल मेंटेन नहीं कर पाएंगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो जो जेन्युइन है उसके हिसाब से चलिए, आराम से चलिए। जो त्रिलोकचंद छावड़ा जी ने ये जो बिजनेस दिया है ना, ये एक दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस है। ऊपर वाले का विशेष अनुकंपा है, आशीर्वाद है कि ये बिजनेस हम आप कर रहे हैं। इसलिए आप कोशिश करिए, आप लीडर हैं तो आप इस बात की कोशिश करिए, इस बात का ध्यान दीजिए कि आपके टीम में इस तरीके का काम ना हो, और एज ए लीडर आप इस तरीके की कोई गलती ना करें। क्योंकि आप ऐसा करते हो तो अपने साथ साथ अपने टीम के लोगों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ करते हो। मैं पर्ल के लेवल पे हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला आपको तो आपका तो यही है, आप तो और भी स्टार एमराल्ड भी जा सकते हो, ये भी जा सकते हो। मैंने कई बार बोला कि मैं अगर बिजनेस 3 महीने का रोक दूँ तो मैं कुछ भी हो सकता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया, ना मैं ऐसा सपोर्ट करता हूँ। त्रिलोकचंद छावड़ा जी की एक किताब आई है रॉयल्टी के बारे में, उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी, आप उसको पढ़ लीजिए। तो अगर आप बिजनेस सीरियसली कर रहे हैं तो आप सिस्टम को फॉलो करिए, जो जेन्युइन है उसको करिए। माला पहनने के चक्कर में, मतलब वो वाला माला मत फोटो पे चढ़वा लीजिए कि एकदम खत्म योग है बिजनेस से। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप सही से बिजनेस करते हैं, सिस्टम से बिजनेस करते हैं, तो आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान में आपका बिजनेस होता है। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आपको इस बात की संतुष्टि होगी कि आपके वजह से ना आपने अपना नुकसान किया है, ना ही अपने टीम का नुकसान किया है। देखिए, मैं उत्तराखंड के वादियों में हूँ, और इस साल मैं चौथी बार उत्तराखंड आया हूँ। मैं इस साल आसाम भी गया था, इस साल मैं जम्मू भी गया था, दिल्ली भी गया था, मुंबई भी गया था, लेकिन चौथी बार मैं उत्तराखंड में आज आया हूँ। मतलब दिसंबर में मुझे लग रहा है कि लास्ट तक एक आउटडोर में मारूँ, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है पहाड़ों पे जाना, नए लोगों से मिलना, नए कल्चर्स को देखना। इसलिए आपसे निवेदन है कि अगर आप ये सारी चीज़ों को देखना चाहते हैं तो बिजनेस को सही तरीके से करिए, मन लगा के करिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। त्रिलोकचंद छावड़ा जी की शुभकामनाएं आपके साथ है। इतना बढ़िया कंपनी, इतनी अच्छा प्रोडक्ट, आप ईमानदारी से काम करेंगे तो निश्चित तौर पे
जो आप कहते हैं ना टाइम मनी सिक्योरिटी, वो आपको मिलेगी। हालांकि इस पे वीडियो में बाद में बनाऊंगा कि टाइम मनी सिक्योरिटी रियल में है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राज, जय आरसिंह।